इसके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है, ये भी व्हाइट व्हाइट हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ अलग करके दिखाने वाला हूँ आपको। यार भाइयों, गर्मियां जो है रियली में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली है, और इन गर्मियों में आप पेल्टियर मॉड्यूल का यूज करके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो बनाओगे सही। लेकिन मुझे बहुत सारी कमेंट्स आते हैं कि विशाल भाई हमारा पेल्टियर मॉड्यूल जो है काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर बर्फ नहीं जम रही जैसे आपने वीडियो में दिखा है। उसका कारण होता है कि आप पेल्टियर मॉड्यूल को जो नीचे से गर्म साइड जो होती है उसको आप ठंडा नहीं रखते हो। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूंगा और साथ ही मैं आपके पैसे भी बचाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चालू करते इस वाली वीडियो को। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो और अगर आइडिया अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो भाइयों, हमें सबसे पहले एक पेल्टियर मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे पेल्टियर मॉड्यूल है और ये आप सभी को mvbazaar.com पे काफी कम रेट के अंदर मिल जाएंगे, वो भी ओरिजिनल वाला। क्योंकि अगर आप साइट से दूसरी साइट से खरीदोगे तो वहां पर क्या कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट मिल गया तो भाई वो पैसा बर्बाद साला। क्योंकि उसमें क्या है कि वो टेम्परेचर ठंडा तो करेगा लेकिन इतना टेम्परेचर ठंडा नहीं करेगा कि आपके बर्फ जम जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, पेल्टियर मॉड्यूल लेना है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर पेल्टियर मॉड्यूल की मैं साइज ले लेता हूँ। इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पर मुझे एक चाहिए एल्यूमिनियम का पाइप। ये एल्यूमिनियम पाइप कहाँ से लाएंगे विशाल भाई? एल्यूमिनियम वर्क का जो आपने शॉप देखा होगा वहाँ पर जाइए, वहाँ पर वेस्टेज इतना बड़ा पाइप पड़ा होगा, ले लीजिए। इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो गहराई है यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कितने पेल्टियर मॉड्यूल के लिए इसको बनाना चाहते हो। आप एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए। तो यहाँ पर मैं चार के लिए बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 4×4 = 8, 4×3 = 12 सेंटीमीटर में मार्किंग लगा दूंगा और यहाँ पर इसको मैं कट कर दूंगा। आपको ध्यान रखना है इसको सीधा कट करना, वरना टेढ़ा हो गया ना तो ये पुष्पा बन जाएगा। तो यहाँ पर मार्किंग हमारी हो चुकी है इस टाइप से और अब यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो लीजिए, फटाफट से मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर इसको घिस भी दूंगा मैं, जैसे पुष्पा चप्पल घिसता है उसी टाइप से इसको घिसना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, ये सीधा हो चुका है। अब यहाँ पर ये पुष्पा नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोटी साइज का हमें एल्यूमिनियम शीट लेनी होगी, तो वो तो मार्केट में मिलेगी नहीं। आप वापस से वहाँ पर ही जाना जहाँ पर आपने एल्यूमिनियम वर्क का शॉप होता है, वहाँ पर आपको पत्ती लेके आनी हो इस टाइप की एल साइज की। अब यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा कटा हुआ पार्ट था, हमने जो काटा था पाइप के अंदर से, वो लेना है और इसको इस टाइप से रखना है। और स्प्रे जो होगा ना ब्लैक कलर का या फिर कोई कलर होगा उसको इस टाइप से स्प्रे कर दीजिए। अब स्प्रे करने के बाद क्या एक जादू होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कोई भी यहाँ पर मार्किंग की टेंशन नहीं है, डायरेक्टली हमारे यहाँ पर ब्लैक कलर हो चुका है। इस ब्लैक कलर को कट करके निकाल लीजिए, हमारी बिल्कुल एक्यूरेट साइज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दो साइज कट कर लिए। अब यहाँ पर मैं फाइल लूँगा। एक फाइल से क्या होगा कि हमारे यहाँ पर इसको किनारों को घिसना होगा। डायमंड देखा होगा ना आप सभी ने, तो डायमंड के किनारे कैसे होते हैं, टेपर में होते हैं ना, उसी टाइप से इसके चारों किनारों को टेपर में कर देंगे हम। और इसी टाइप से टेपर पर हमारे जो पाइप है इसके दोनों सिरों को हमें करना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर देता हूँ और फाइनली लीजिए मैंने कर भी दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे टेपर जैसे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर होल करना होगा। तो ये जो ड्रिल मशीन देख रहे हो ना भाइयों, ये मैंने घर पे बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पैसे बचाइए, फालतू में पैसे मत लगाइए ऑनलाइन से परचेस करके। तो ये सारे के सारे फीचर्स है इसके अंदर जो मार्केट में मिलते हैं ना उसी टाइप के। कोर्डलेस है, कोई आपको तार लगाने की जरूरत नहीं, लाइट जाने के बाद भी चलेगी, काफ़ी पावर है, लोहे के अंदर भी होल कर देती है, दीवार में भी कर देती है। तो देख सकते हो मैंने दो होल करे और एक ऊपर और एक नीचे करा है, ठीक है। ये क्यों करे, क्योंकि हमारा वाटर जो है हमारे दोनों ऊपर तक चल जाए इसलिए। अब हमारा जो रेडियो होता है दादाजी के जमाने का, उसका एंटीना निकाल देंगे और इस टाइप के पाइप निकाल लेंगे। अगर एंटीना नहीं है आपके पास तो हमारा फ्रिज जो होता है, फ्रिज रिपेयरिंग शॉप पर जाइए, इस टाइप का पाइप लेके आ सकते हो, उसके पीछे लगा होता है ये। अगर ये भी नहीं मिलता है तो विशाल भाई क्या करेंगे, आप एक और जुगाड़ लगा सकते हो। पेन जो होता है ना, पेन का आप कट करके प्लास्टिक का पाइप लगा दीजिए सुपर ग्लू से, चल जाएगा काम हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एल्यूमिनियम के अंदर सोल्डरिंग करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर जो सोल्डरिंग होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक पेस्ट आता है एल्यूमिनियम के अंदर सोल्डरिंग करने का, तो इसे क्या होता है, फ्लक्स बोलते हैं शायद, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं नाम भूल गया हूँ। अभी मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए क्या है कि मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया और डायरेक्टली बना दिया। काफ़ी टाइम से मैं लेके आया हूँ उसे, लगभग मुझे साल भर हो चुका है, नाम भूल गया, कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके वो भी बताना कि विशाल भाई हम वहाँ से देख रहे हैं, मुझे पता लगेगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमारे जो पीस कट किए थे और यहाँ पर मैंने टेपर में करा था इसको, इसको इस टाइप से लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे एक नाली टाइप का बन चुका है,
अब ये नाली टाइप का क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर हम सोल्डरिंग डालेंगे ना, तो सोल्डरिंग यहाँ पर पकड़ कर लेगा अच्छे से मजबूती से। तो भाई ये छोटी छोटी बातें ना ये आपको कोई नहीं बताता, डायरेक्टली सोल्डरिंग करके बता देगा। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आपको हर एक छोटी सी छोटी हम यहाँ पर डिटेल दिखाएंगे, उसके अंदर आपको कैसे काम करना वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। बहुत सारे क्या करते हैं कि डायरेक्टली सोल्डरिंग करके दिखाते हैं, आपको पता ही नहीं। अब यहाँ पर आप एल्यूमिनियम के अंदर सोल्डरिंग करोगे ना, सोल्डरिंग होगा नहीं। आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, हमारे साथ हो नहीं रहा। तो आपको यहाँ पर इस टाइप का फ्लक्स लगाना है, ठीक है। ये जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, काफ़ी कम रेट के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम सोल्डरिंग करने के बाद घिस देंगे, अब हमारी जो नाली टाइप का था उसके अंदर तो फंस जाएगा, वो ऊपर से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पर सोल्डरिंग करा, ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से लेके आए इसको। तो काफ़ी अच्छा काम है। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये नाली वाला सिस्टम। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ मैंने इसको पैक कर दिया, एक तरफ तो पहले कर दिया था, एक तरफ हमने बाद में कर दिया। इसको मैंने क्या है कि कट कर दिया था सीन, ताकि आपको वीडियो छोटी लगे, बोर ना हुआ। अब हमारा पेल्टी मॉड्यूल है ना, इसके पीछे की साइड में कुछ नहीं लिखा रहा, ये हमारा गर्म भाग होता है और जहाँ पर लिखा होता है वो ठंडा भाग होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लगाओ उसे, इसमें थर्मल पेस्ट जो होता है, थर्मल ग्रीस भी बोलते हैं बहुत जगह पर, वो लगाना आपको। अगर इसको नहीं लगाया भाइयों तो क्या होगा कि हमारा जो ये टेम्परेचर इसका डाउन नहीं होगा, हमारा जो नीचे से गर्म होगा तो ऊपर का टेम्परेचर डाउन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टेम्परेचर अच्छे से इसको बाईपास कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको सप्लाई कैसे दे, तो यहाँ पर देख सकते हो पावर सप्लाई है मेरे पास 12 वोल्ट 10 एम्पियर की। ये ओरिजिनल सप्लाई है, आपको एमवी बाजार पे मिल जाएगी, और इसके अंदर जो है आप 10 एम्पियर तक हमारा जो वाटर पावर सप्लाई जो वो ले सकते हो। इसके अंदर आपको दो स्लॉट मिल जाएंगे 12 वोल्ट डीसी के, और एक यहाँ पर डायरेक्टली आप 220 वोल्ट इसको चला सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो आप काफ़ी 10 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता भाइयों, बहुत ज़्यादा टेम्पियर होता। और मैंने इसका जो पेल्टर मॉड्यूल का इसको काम कर रहा था, और जब मैंने इसका एम्पियर मेजर किया तो लगभग ये 3 से 4 एम्पियर ले जाता, 10 एम्पियर नहीं ले जाता। तो आप यहाँ पर आप देख सकते। अब यहाँ पर एक वाटर पंप लेंगे हम। अब वाटर पंप क्या है कि इसमें वाटर सप्लाई को ऑन करेगा रखेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पानी इसके अंदर रन होगा तभी इसको चालू कीजिए, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा सारा, टाटा बाय बाय गुड नाइट सब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कनेक्शन, आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है सारा कनेक्शन, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, और इसमें प्लस मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसी। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एल और एन जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट चल जाएगी, और एन जो लिखा हुआ है वहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिए या फिर न्यूट्रल कर दीजिए, ठीक है, ग्राउंड में कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सारा सेटअप कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेल्टियर मॉड्यूल हमारा लग चुका है, वाटर ब्लॉक लग चुका है, वाटर पंप लग चुका है, हमारा पावर सप्लाई यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर हमने एक बाल्टी के अंदर पानी भर दिया ताकि ये जो है इस पेल्टियर मॉड्यूल को ठंडा रखे। ये सर आपको अभी हाल ऐसा लग रहा होगा उलझा उलझा सा, लेकिन यहाँ पर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। और अभी टेम्परेली आप सभी को यहाँ पर मैंने सारा सिस्टम बनाकर दिखाया है, यहाँ से हमारे 220 वोल्ट जो है इस पावर सप्लाई के अंदर जा रही है, और यहाँ से 12 वोल्ट 10 एम्पीयर का हमारा पावर सप्लाई जो है ये हमारे वाटर पंप को और पेल्टियर मॉड्यूल को दोनों को पावर सप्लाई दे रहा है डीसी। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा पंप इस वाटर ब्लॉक के अंदर पानी को रन करेगा, और हमारे पेल्टियर मॉड्यूल के नीचे के साइड में हॉट पार्ट होता है उसको ठंडा रखेगा, और जो नीचे का साइड में ठंडा रहेगा तो ऊपर की साइड में इसका टेम्परेचर ज्यादा ठंडा होगा। फाइनली गाइस यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई हमने ऑन कर दिए, और ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पानी इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है, एक साइड से पानी जा रहा है, दूसरी साइड से पानी इसके अंदर आ रहा है, और ये जो पानी सारा का सारा इसके अंदर घूम के यहाँ से निकल रहा है। अभी हमारा जो पेल्टर मॉड्यूल है ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ पानी की बूंदें यहाँ पर हम डालते हैं ताकि हमें बर्फ बनती हुई दिख जाए इसके ऊपर। यहाँ पर मैं पानी की बूंदें डाल दूंगा इसके अंदर, और अभी यहाँ पर जो है पूरा हमारा ये ठंडा ही है, कोई गर्म नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि पानी इसके अंदर रन हो रहा है। और बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि विशाल भाई इसके अंदर आपने डायरेक्ट पाइप का यूज किया है, कोई अंदर जिगजैग ऐसा पार्ट नहीं बनाया था कि पानी इधर उधर घूमे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा हमारा पाइप पानी से भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा कि सारी सारी गर्मी को सोख लेगा। तो यहाँ पर क्या है, पानी का हमने पंप जो है सारा पानी यहाँ से जाकर इसके अंदर जाएगा, और पाइप का हमने क्या है साइज बढ़ा लिया है जिससे इसके अंदर ज्यादा पानी रहेगा ताकि इसको गर्म ना कर सके। तो भाई यहाँ पर जो है हमारा बर्फ जमना स्टार्ट हो चुका है, और अभी मैं आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी इसका दिखा देता, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर मीटर है अभी शूटिंग के दौरान वो गिर गया है जिससे खराब हो गया है, और अभी मार्केट में जाकर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि नया लेके आए। लेकिन यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली इसका बर्फ बना हुआ दिखा दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये जो है काफी अच्छे से काम करता है। अभी यहाँ पर जो हमारा ये वाटर ब्लॉक गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ये बर्फ जम चुका है। अब यहाँ पर तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि बर्फ हमारा जम गया है इसके ऊपर, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं इसको निकाल कर, और ये काफी ज्यादा ठंडा हो चुका भाई यार। अभी देखो बर्फ जो है इसके अंदर यहाँ पर जम चुकी, निकलने का नाम नहीं ले रही है, ये सारा का सारा जो पानी है सारा बर्फ जम चुका है इसके अंदर। यहाँ पर मैं कुछ अलग करके दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास एक नट बोल्ट दिया हुआ है, और इसको मैं पानी में पहले गीला कर दूंगा, और गीला करने के बाद में हम इस पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर इसको इस टाइप से रख देंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर जो है
बर्फ को जमा ठंडा करके मतलब बर्फ को पिघला कर यहाँ पर सेट हो जाएगा और वापस से ठंडा होकर यहाँ पर ऊपर की साइड में भी इस पर बर्फ जम सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाइयों कि हमारा जो ये बोल्ट है ये यहाँ पर जम चुका है इसके अंदर। देखो मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिल रहा है यहाँ पर क्योंकि ये इसके अंदर यहाँ बर्फ जो है बर्फ के अंदर जम चुका है। तो देख सकते हो कितने जल्दी इसने काम करा है। अब भाई यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो है यहाँ पर पेल्टे मोटर का यूज करते हैं और बर्फ जमाने की कोशिश करते हैं लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नीचे जाता ही नहीं उनका। उसका कारण ये होता है कि वो क्या है कि नीचे की साइड में जो पार्ट होता है उसको आप ठंडा जब तक नहीं करोगे जब तक ये हमारा ऊपर से ठंडा नहीं होगा। अगर ये नीचे का पार्ट गर्म हुआ तो यहाँ पर बर्फ जमेगी नहीं हमारी। अगर आपने इसको नीचे से पार्ट को अच्छे से ठंडा रखा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारी बर्फ जमने वाली है। इससे मैं आपको आइसक्रीम मशीन जो होती है वो भी बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर एक वाटर ब्लॉक और बनाऊंगा मैं और उसके अंदर हमारे यहाँ पर तीन और तीन छः हम यहाँ पर हमारे पेल्टर मॉडल का यूज करेंगे और उससे यहाँ पर पूरी एक आइसक्रीम मशीन बनाकर दिखाऊंगा आपको जिससे हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ये नट बोल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो कि हमारा जो नट बोल्ट है इसके ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है, ये भी व्हाइट व्हाइट हो चुका है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेल्टर मॉड्यूल काफी अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि हमने जो वाटर ब्लॉक बनाया है ये वाटर ब्लॉक यहाँ पर इसको काफी अच्छे से ठंडा रख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छे से हमारा जो है बर्फ जम चुका है। अब यहाँ पर इसको हम बंद करेंगे जिससे गर्म होगा और यहाँ पर जो बर्फ है साइड में निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये बंद हो चुका है और इसके अंदर जो वाटर सप्लाई है वो भी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम यहाँ पर बर्फ जो है इसको गर्म करके निकालेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक गर्म होकर निकल जाएगा ये। अब यहाँ पर मैं इस नट बोल्ट को हटाऊंगा तो ये आराम से हट रहा है, पहले नहीं हट रहा था। और यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद जमा हुआ था वो भी यहाँ पर हट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो ये बर्फ़ भी पिघल गई है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है हमारा। देख सकते हो यहाँ पर ये वापस पानी बन चुका है। ठीक है, तो फाइनली गाइज हमारा जो यहाँ पर पेल्टियर मॉड्यूल का वाटर ब्लॉक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और आप सभी को थैंक यू, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। अगर लास्ट तक वीडियो को देखा आपने तो कमेंट करके जरूर बताना विशाल भाई कि हमने लास्ट तक देखा। और अगर आपने अभी तक हमारी जो और वीडियोज नहीं देखी जैसे कि ड्रिल मशीन, वाटर कूलर और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर बना रखी है, आप अपने चैनल पर जा सकते हो, वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हो और बहुत सारी वीडियो का नॉलेज ले सकते हो। तो भाई मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।